आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च की मज़ेदार रेसिपी। आइए देखते हैं ये मज़ेदार रेसिपी कैसे बनानी है। इसके लिए यहाँ पर मैंने लगभग 150 ग्राम ले ली है मोटी वाली हरी मिर्च। यहाँ पर आपको मोटी वाली मिर्च ही लेनी है, क्योंकि ये जो मिर्च होती है ना, ये ज़्यादा तीखी नहीं होती है। तो सबसे पहले तो मिर्च को हमने वॉश कर लिया है, और इसका जो डंठल वाला पार्ट है ना, इसको हम तोड़ करके अलग कर देते हैं। आप चाहे तो इसके डंठल अलग ना भी करें, लेकिन मैं इसके डंठल अलग कर रही हूँ। हमने डंठल अलग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक चाकू ले लेंगे या टूथपिक ले लीजिएगा, इसकी हेल्प से हम मिर्च में चीरा लगाएंगे। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक चीरा नहीं लगाएंगे, एक मिर्च में हम 3 से 4 चीरे इस तरह से लंबाई में लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने 3 चीरे लगा दिए हैं। तो इसी तरह से हम सभी मिर्च में 3-3, 4-4 चीरे लगा करके रख लेते हैं। तो सभी मिर्च में हमने चीरा लगा लिए हैं, और अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। लगभग हम आधा चम्मच के करीब नमक डालेंगे, और नमक को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक का इस्तेमाल ज़रूर करना है, इससे जो नमक है वो मिर्च के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसको हाथों की मदद से हल्का हल्का सा रब करते हुए मिक्स करेंगे, ताकि थोड़ा बहुत नमक मिर्च के अंदर भी चला जाए। हमने नमक को अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। अब हम इन नमक मिली मिर्च को 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, नमक जो है मेल्ट हो चुका है और मिर्च के अंदर भी काफ़ी पहुंच चुका है। अब हम लेंगे यहाँ पर इडली के मोल्ड के जो सांचे होते हैं, उनको ले लेते हैं, और जितने भी इसमें खांचे हैं सभी में हम 3-3, 4-4 मिर्च जितने आसानी से बन जाती है रख देंगे। आपके पास अगर यहाँ पर इडली के मोल्ड नहीं हैं तो आप स्टीमर का यूज कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी जाली वाली होल्स वाली छन्नी हो आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने सभी खांचों में 3-3 मिर्च को रख दिया है। तो इसी तरह से दूसरे मोल्ड में भी हम मिर्च को अरेंज कर लेते हैं। अब हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ पर हमने पहले से ही इडली के मोल्ड में 1 गिलास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जैसे ही गर्म हो जाएगा तो ये जो प्लेट्स हैं इडली वाली, इन प्लेट्स को हम मोल्ड के अंदर अरेंज कर देंगे, और इसको ढक करके 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। इस तरह से हल्का सा स्टीम में पकाने से ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाती हैं, और अगर इनमें तीखापन भी है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं, और जो हमारी हरी मिर्च है वो बहुत अच्छे से भाप में पक चुकी है। इनका टेक्सचर भी आपको चेंज नज़र आ रहा होगा। तो चलिए अब हम इन मिर्च को निकाल लेते हैं और ठंडा होने देते हैं। मिर्च ठंडी हो चुकी हैं, तो इनको हम एक प्लेट में अलग कर लेंगे। अब हम अपना एक स्पेशल मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक तड़का पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हम डालेंगे सौंफ, 1 चम्मच भर करके डालेंगे साबुत धनिया यानी कि धनिया के बीज, 7 से 8 डालेंगे काली मिर्च, 1/2 चम्मच डालेंगे राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने जिसको आप बोल सकते हैं। अब हम डालेंगे 2 लाल साबुत मिर्चें, तो इनको हम तोड़ करके डालेंगे, और इन सभी मसालों को हम लो फ्लेम पर बढ़िया से रोस्ट कर लेंगे। लो फ्लेम पर रोस्ट करने से इसकी जो खुशबू है, जो इसका जो टेस्ट है वो चेंज नहीं होता, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पर ही आप इसको भूनें। तो लीजिए, मसाले को हमने अच्छे से रोस्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। गैस को ऑफ कर देंगे, और इस मसाले को यहाँ पर मैं अदरक कूटने वाले कुटने में डाल रही हूँ, और क्योंकि हमें इसको दरदरा क्रश करना है। आप चाहे तो मिक्सी में डाल करके ऑन ऑफ एक बार कर दीजिएगा, उससे भी ये दरदरा अच्छे से पिस जाएगा। हमने मसाले को दरदरा कूट लिया है। अब हम इस मसाले को एक बोल में निकाल लेते हैं। देख सकते हैं आप, आपको इस तरह से दरदरा पीसना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस रेसिपी में इस तरह दरदरा पिसा होना बहुत ज़रूरी है। बारीक पीस देंगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब ये मैंने लिया है फ्रेश दही, तो 2 चम्मच हम इसमें दही डालेंगे, और दही के साथ ही मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा मसाला बनकर के बिल्कुल रेडी हो चुका है रेसिपी के लिए। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक पैन लिया है, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। ये मैंने लिए हैं 1 चम्मच सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को हम अच्छे से क्रैकल्स होने देंगे। चुटकी भर हम इसमें हींग डाल देंगे, और यहाँ पर हमने लिया है थोड़ा सा अदरक।
जिसको हमने कद्दूकस कर लिया है। तो अदरक को भी हम अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने जो अपनी स्टीम करके मिर्च रखी हुई थी ना, इन मिर्च को हम तेल में डालेंगे और बढ़िया से मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से इनको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से मिर्च में जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फ्राई करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगभग 2 मिनट ही लगेंगे। तो चलिए हम मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, मिर्च जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और 1/2 डालेंगे नींबू का रस। तो इससे ये जो मिर्च बनाने वाले हैं ये बढ़िया तीखी खट्टी चटपटी बनती हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब हमने जो अपना स्पेशल मसाला बना करके रखा हुआ था दही वाला, इस मसाले को हम डालेंगे। अब हम मसाले को भी अच्छे से मिर्च के साथ मिक्स करेंगे। फ्लेम हम बिल्कुल लो कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से भुन सके मिर्च के साथ और इसमें अच्छे से कोट हो सके। तो अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, तो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे। याद रखिए मिर्च में भी हल्का सा नमक है, जब हमने स्टीम करते समय ऐड किया था। नमक को भी मिक्स करेंगे और इसको ढक करके हम 2 मिनट के लिए पकने देंगे। फ्लेम आपको लो ही रखनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लगभग 2-2.5 मिनट हो चुके हैं। तो जो मसाला है बहुत अच्छे से भुन चुका है, बहुत बढ़िया से खुशबू आ रही है और मिर्च भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो लीजिए हमारी बिल्कुल नए तरीके की फ्राइड मसाला मिर्च बन करके तैयार है। आप इसमें बिना सब्जी के भी ऐसे ही रोटियां खाएंगी तो भी बहुत अच्छी लगेंगी। अचार के रूप में भी आप इसको खा सकते हैं। और इन मिर्च को आप आराम से 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए कितनी बढ़िया लग रही हैं और खाने में बहुत अच्छी हैं, चटपटी तीखी खट्टी मज़ेदार सी ये मिर्च, आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो तैयार है हमारी चटपटी सी खट्टी सी तीखी सी मिर्च मसाला फ्राई। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, आपने इस तरह से कभी ट्राई नहीं की होगी तो आप ज़रूर ट्राई करके